कोंडागांव जिले के ग्राम लंजोड़ में गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे चैम्बर बना चुका है, जिसमें आरोपी गांजा रखकर उसकी तस्करी करता है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में गांजे के 40 पैकेट बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में है। लगातार अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल रात को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक लाल रंग के ट्रैक्टर में कुछ अवैध मादक पदार्थ होने की सूचना थी, जिस पर से तत्काल घेराबंदी करते हुए संदिग्ध वाहन को रोककर चेक किया गया, जो प्रथम दृष्टया चेक करने पर उसके टूल बॉक्स में कुछ पैकेट्स रखे हुए थे अवैध पदार्थ के। बारीकी से और चेक किया तो हाइड्रोलिक्स के अंदर एक स्पेशल कंपार्टमेंट बनाकर करीब 40 पैकेट 55 किलो के और 3 टूल बॉक्स से निकले, ऐसे करके कुल 43 पैकेट में 218 किलो अवैध गांजा पाया गया, जिसमें विधिवत जब्त कर संपूर्ण कार्यवाही की गई है और एनडीपीएस की धारा 20 के तहत एफआईआर कर एक आरोपी जो ट्रेलर का चालक है उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।